तो बच्चे लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिस्ट्री के बारे में देखा था। उसके बाद हमने स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि लुईस स्ट्रक्चर या डैश फॉर्मूला कंपाउंड को, जितने भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स के बीच में जिस तरह का भी बॉन्ड है उन सारे तरह के बॉन्ड पेयर को, लोन पेयर को दिखा देंगे जो शो करते हैं उस स्ट्रक्चर में, उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे लुईस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब उसी लुईस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में कुछ बॉन्ड को भूल जाइए या सारे बॉन्ड को भूल जाइए, यानी शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन बिना बॉन्ड के, उसको हम बोलेंगे कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्म रिप्रेजेंटेशन या कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब थर्ड स्ट्रक्चर हमने देखा था, थर्ड तीसरे तरफ से जो स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो तीसरा तरीका है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में सिंपल है कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को हम नहीं दिखाते। ठीक है, कार्बन 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 के बीच के बॉन्ड को सिर्फ दिखाते हैं, है ना, और कार्बन और कार्बन का सिंबल सी नहीं लिखते। कार्बन का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कार्बन कार्बन के बीच में जो चेन है उसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा हमने लास्ट क्लास में देखा था। इस क्लास में उसके आगे बढ़ते हैं कि थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, ये थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है किसी मॉलिक्यूल का। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक मॉडल लाते हैं हम, एटॉमिक मॉडल। ये देखिए, ये मॉलिक्यूल एक थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल है। तो थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल को टू डायमेंशनल बोर्ड पे या प्लेन पे रिप्रेजेंट कर पाना मुश्किल है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेज डैश फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वेज डैश फॉर्मूला क्या है, तो जैसे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें अगर आपको दिख रहा है कि व्हाइट बॉल है, रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है और येलो बॉल है, तो ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये बोर्ड पे हम नहीं दिखा सकते। अगर हम बोर्ड पे दिखाएंगे तो देखिए, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ही बोर्ड पर आ पाएगा, और बाकी ये जो रेड वाला बॉल है और जो ग्रीन वाला बॉल है, तो रेड वाला बॉल बोर्ड से ऊपर आ जाएगा और ग्रीन वाला बॉल बोर्ड से नीचे चला जाएगा। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो लाइन या जो बॉन्ड बोर्ड पर आ जाएगा उसको तो हम प्लेनर लाइन से दिखाते हैं, सिंपल लाइन से। यानी इस कार्बन पे ये जो एटम है उस पर का जो बॉन्ड एक लाइन में आ जाएगा, इस प्लेन पर आ जाएगा, उसको तो हम सिंपल लाइन से दिखाते हैं। और जो लाइन, जो बॉन्ड प्लेन से ऊपर आएगा उसको हम सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं वेज। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं वेज। और जो बॉन्ड बोर्ड से नीचे चला गया है उसको हम ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डैश। तो वेज का मतलब वो बॉन्ड जो बोर्ड के प्लेन से ऊपर आ रहा है। और डैश का मतलब वो बॉन्ड जो बोर्ड से नीचे जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर देखिए, जैसे इसमें ये जो सिंपल लाइन से दिखाया हुआ है ये है आपका प्लेनर बॉन्ड, और जो सॉलिड लाइन से ये दिखाया हुआ है इसको हम बोलेंगे वेज। इसका मतलब
हुआ कि ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये बोर्ड के प्लेन में ऐसे, प्लेन से ऐसे ऊपर लगा हुआ है, और ये जो ब्रोकन लाइन से दिखाया हुआ है, यानी कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो बोर्ड के प्लेन से नीचे, ठीक है। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। वेज डैश क्यों? क्योंकि वेज से हम उस बॉन्ड को दिखाते हैं जो बॉन्ड बोर्ड के प्लेन के ऊपर है, और डैश से हम उस बॉन्ड को दिखाते हैं जो बोर्ड के प्लेन के नीचे है। यानी सिंपल लाइन से जो दिखाया हुआ है वो है तुम्हारा बोर्ड के प्लेन पे रहने वाला, बोर्ड के प्लेन पे यानी स्क्रीन पे रहने वाला ये बॉन्ड है, यानी ये हाइड्रोजन जो है वो स्क्रीन पर है, ये हाइड्रोजन स्क्रीन पर है, और ऑफ कोर्स ये कार्बन जो है वो भी स्क्रीन पे है। तो अगर आपसे पूछ दिया कि एक ही प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम आ सकते हैं, तो एक प्लेन में मैक्सिमम एक, दो और तीन, तीन एटम आ सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि स्ट्रक्चर दे देगा, और उसमें पूछेगा कि हाउ मेनी एटम्स आर कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, है ना। तो आपका आंसर होगा एक तो ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और ये कार्बन। उसी तरह से इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये वाला जो प्लेनर बॉन्ड है, सिंपल लाइन से दिखाया हुआ जो है वो बोर्ड के प्लेन में यानी स्क्रीन पर है, यानी ये हाइड्रोजन स्क्रीन पे, ये कार्बन स्क्रीन पे, ये हाइड्रोजन स्क्रीन पे। और ये जो सॉलिड लाइन से दिखाया हुआ है बच्चे, ये है हमारा बोर्ड से ऊपर आता हुआ ऐसे, और जो डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, ब्रोकन लाइन से दिखाया हुआ है, वो वाला हाइड्रोजन बोर्ड से उतना ही नीचे है, अंदर के साइड में, है ना। उसी तरह से आप सब समझ पा रहे हैं कि ये वाला जो है प्लेनर बॉन्ड है, प्लेनर बॉन्ड, प्लेनर बॉन्ड से लगने वाला एक ही प्लेन में एटम लाई करेगा, ठीक है। और ये ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन जो है वो वेज बॉन्ड से लगा हुआ है, इसका मतलब ब्रोमीन जो है वो ऐसे ऊपर आ रहा है, बोर्ड के प्लेन के ऊपर लगा हुआ है। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन वो बोर्ड के प्लेन के नीचे है, ठीक है। तो ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है, ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, क्योंकि सारा रिप्रेजेंटेशन, सारे तरह से रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया है, तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ लिया है, तो रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया तो क्लासिफिकेशन देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत तरह के कंपाउंड होते हैं, उस बहुत तरह के कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड को किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जितने तरह के भी कंपाउंड हैं वो हम देखेंगे, कितने तरह के कंपाउंड है, टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बारे में हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला तो ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा साइक्लिक कंपाउंड। देखिए आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा क्या, कि ओपन चेन कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में, हर जगह कार्बन, एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, ऐसे जुड़ते जुड़ते चेन तो बना रहा है लेकिन कहीं भी रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स इस चेन के अंदर कार्बन चार तरह से जुड़ सकता है ना, चार बॉन्ड बनाता है ना, तो इस चेन के अंदर ऐसा ब्रांचिंग हो सकता है, मना नहीं कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन कहीं भी रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जबकि साइक्लिक कंपाउंड में एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पहले से अगर जुड़ जाएगा तो देखिए ना, रिंग बना लिया। तो रिंग बना लिया तो इसको बोलेंगे हम साइक्लिक या क्लोज्ड चेन या रिंग कंपाउंड्स।
जहां भी कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के रिंग का साइकिल का फॉर्मेशन कर लिया। हाँ, साइकिल के अलावा ए साइक्लिक पार्ट भी है, मना नहीं कर रहा उसके लिए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक रिंग जरूर होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड या रिंग कंपाउंड, है ना। और ये जो है वो ए साइक्लिक या ओपन चेन या एलिफैटिक कंपाउंड इसको बोलते हैं। किसको? जब जहां पे रिंग नहीं रहे। ये चेन तो बना रहा है, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये ओपन है, ये चेन जो है वो ओपन चेन है, ठीक है। अब इसी को दो तरीके से बांट सकते हैं, एक स्ट्रेट चेन और ये ब्रांच्ड चेन। जब कार्बन 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 आपस में जुड़ के सिर्फ स्ट्रेट चेन में जुड़ा हुआ है, स्ट्रेट चेन में जुड़ा हुआ है, देखिए ना, सिर्फ स्ट्रेट चेन में जुड़ा हुआ है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, पांचवें छठे से, छठा सातवें से, ऐसे जुड़ते जुड़ते सिर्फ एक चेन, स्ट्रेट चेन बना रहा है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट चेन, ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड, ठीक है। और एक हो गया आपका ब्रांच्ड, जिसमें कार्बन 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 आपस में जुड़ा हुआ तो है, लेकिन यहां क्या है कि ब्रांचिंग भी है, देखिए ना, ब्रांचिंग भी है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे ब्रांच्ड, ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड, ठीक है जी, ठीक है। अब ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड को दो तरीके से हम बांट भी सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड कंटेंड इन द ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड। किस तरह का बॉन्ड है उस ओपन चेन वाले सिस्टम में, ओपन चेन वाला कंपाउंड में, एलिफैटिक कंपाउंड में किस तरह का बॉन्ड है, इस टाइप्स ऑफ बॉन्ड को देख के हम ए साइक्लिक कंपाउंड को या ओपन चेन कंपाउंड को दो तरीके से बांट सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कैसे? तो एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है? तो सैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। तो देखिए सैचुरेटेड क्या होता है कि सैचुरेटेड वो ओपन चेन कंपाउंड है जिसमें कि कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, हर जगह क्या है, हर जगह हमारा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा ना, तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। ऑफ कोर्स इसमें ब्रांचिंग भी हो सकता है, लेकिन ब्रांचिंग तो है लेकिन कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है बच्चे, ठीक है। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलेंगे? कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो देखिए जैसे कार्बन 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 आपस में जुड़ा हुआ तो है लेकिन इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है। हम बोलोगे मल्टीपल बॉन्ड किसको बोलते हैं? तो मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं डबल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कलेक्टिवली मिला के हम मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं, यानी डबल बॉन्ड भी एक प्रकार का एक मल्टीपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड भी क्या है, एक प्रकार का एक मल्टीपल बॉन्ड है, यानी कि वैसा कंपाउंड, यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि वैसा कंपाउंड जिसमें कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, या एक से ज्यादा जगह डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तो वैसे कंपाउंड को, ऑफ कोर्स इसमें ब्रांचिंग भी हो सकता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे क्या? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो दिमाग में छापिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड,
कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड को ये एल्केन्स भी कह सकते हैं हम, क्योंकि एल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो इसलिए हम एल्केन्स को सैचुरेटेड कंपाउंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है कि हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा ही नहीं कहीं, तो हम उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, उस कंपाउंड को हम बोलेंगे कि वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। और एल्केन में हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना यार, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, एल्केन्स को सैचुरेटेड कंपाउंड भी कहेंगे, कि एल्केन्स जो है वो सैचुरेटेड होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हमने बोला कि मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों, है ना। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में पहला जो है वो है एल्कीन। एल्कीन का मतलब वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड, है ना। तो एल्कीन, एल्कीन मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिसमें हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन कहीं एक जगह डबल बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका एग्जाम्पल लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एक जगह डबल बॉन्ड है, ठीक है। एक लाइट कलर वाला पेन ले लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ये एक एल्कीन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है। ऑफ कोर्स यहां ब्रांचिंग भी हो सकता है, मना नहीं कर रहे उसके लिए, ठीक है जी। अब दूसरे तरह का जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा हमें, वो मिलेगा एल्का डाइइन्स। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, एल्का डाइइन्स मतलब वैसा कार्बन का चेन जिसमें कि दो डबल बॉन्ड हो, डाइइन्स, इन मतलब डबल बॉन्ड और डाइइन मतलब दो डबल बॉन्ड, है ना। तो एल्का डाइइन, तो एल्का डाइइन जो है वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। एल्काडाइन क्या हो गया, हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, लेकिन कहीं भी दो जगह डबल बॉन्ड, एल्काडाइन, है ना। उसी तरह से अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड हो गया चेन में, हेलो, अगर कहीं कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड हो गया, है ना, कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो इसको हम बोलेंगे एल्काइन है ये, ठीक है। ऑफ कोर्स यहां ब्रांचिंग भी हो सकता है, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो हम उसको एल्काइन बोलेंगे ना बच्चे, ठीक है। अब देखिए तीसरा है एल्कीनाइन्स। एल्कीनाइन्स का मतलब उसमें देखिए डबल बॉन्ड इन भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड आयन भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड भी होगा और कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, मतलब दोनों होगा, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कीनाइन्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चेन कंपाउंड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड या रिंग कंपाउंड, है ना। तो पॉज करके आप इसको लिख लीजिए जो भी लिखना है आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए
साइक्लिक जो कंपाउंड है उसको भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। साइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन अब देख लेते हैं, है ना। साइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, तो ये जो साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज्ड चेन कंपाउंड या रिंग कंपाउंड, इसको फर्दर हम दो पार्ट में बांट देते हैं। देखिए, एक हो गया होमोसाइक्लिक और दूसरा हो गया हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्या है? जब साइकिल का फॉर्मेशन हो जाए, रिंग का फॉर्मेशन हो जाए। और कैसे हो गया रिंग का फॉर्मेशन? कैसे हो गया? पहला एटम दूसरे एटम से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पहले से जुड़ जाए, तो एक क्लोज रिंग बना लिया ना, साइकिल बना लिया ना। तो वैसा कंपाउंड जिसमें कि क्लोज साइकिल बने, रिंग बने, वो साइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। अब साइकिल को बनाने में अगर मान लीजिए कि एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से और चौथा पहले से जुड़ जाए, तो साइकिल जिन जिन एटम से मिलके बना हुआ है वो सारे कार्बन है, सेम टाइप के एलिमेंट है। तो सेम टाइप के एलिमेंट से अगर साइकिल का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें साइकिल के सारे एटम एक जैसे, एक ही तरह के एटम से साइकिल बना हुआ है, तो उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। और कार्बन, सिर्फ कार्बन 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 से अगर साइकिल बन गया तो उसको बोलेंगे कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। तो ये जो है वो होमोसाइक्लिक है या कार्बोसाइक्लिक, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक क्या होगा? जिसमें हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में साइकिल का जितना भी एटम होगा वो सब कार्बन 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 होगा, ठीक है। बाहर में दूसरा एटम प्रेजेंट हो सकता है लेकिन साइकिल का सारा एटम एक जैसा होगा, कार्बन होगा, तो उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। तो अब आप बताइए कि क्या ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है? क्या ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है? क्या ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है? तो हाँ है, क्योंकि साइकिल जिस जिन एटम से बना हुआ है, जिन जिन एटम से साइकिल बना हुआ है वो सारे एक तरह के एटम हैं, कार्बन 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 कार्बन। और जो दूसरे तरह का एटम प्रेजेंट है भी तो वो साइकिल से बाहर है, साइकिल को बनाने में उस एटम का योगदान नहीं है। तो साइकिल अगर सेम तरह के एटम से बना हुआ है तो उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। और अगर कार्बन 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 से ही बना हुआ है साइकिल तो उसको हम बोलेंगे कार्बोसाइक्लिक, है कि नहीं। तो ये होमोसाइक्लिक मतलब कंपाउंड कंटेनिंग साइकिल एंड द एटम ऑफ साइकिल इज सेम, तो उसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। उसी तरह से हेट्रोसाइक्लिक में देखते हैं, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में साइकिल तो बनेगा, कार्बन 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 कार्बन, और ये मान लो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना। तो इस साइकिल के फॉर्मेशन में दो तरह के एटम हैं, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे बोलो? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये, ठीक है। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी और होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी, दोनों को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं कि एलीसाइक्लिक और एरोमेटिक, एलीसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में फर्दर तो हम लोग जीओसी में पढ़ेंगे कि कब कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है, कब कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए साइक्लिक कंपाउंड का होना जरूरी है, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए साइक्लिक कंपाउंड का होना जरूरी है, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड को हमने क्लासिफाई किया है एरोमेटिक कैटेगरी, एरोमेटिक के कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन एरोमेटिक के बारे में
सिंपल बता देते हैं कि अगर बेंजीन के जैसा रिंग है, बेंजीन के जैसा रिंग है तो ये होमोसाइक्लिक दिख रहा है ना, होमोसाइक्लिक, सारा एटम साइकिल का कार्बन 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 है तो ये होमोसाइक्लिक है, तो ये एरोमेटिक भी है, ठीक है, और ये भी एरोमेटिक है, ऑक्सीजन ये भी देखिए एरोमेटिक है, ये है फुरान, ये बेंजीन नहीं है, ये क्या है, फुरान है, फुरान ये एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन ये हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है, और ये होमोसाइक्लिक है और ये एरोमेटिक है, ठीक है। अब एलीसाइक्लिक सिंपल एरोमेटिक के रूल को फॉलो नहीं करेगा, एरोमेटिक कहलाने के लिए कुछ रूल्स होता है, उस रूल्स में अगर फिट नहीं बैठेगा कोई कंपाउंड, उस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा और नॉन एरोमेटिक ही कहलाएगा एलीसाइक्लिक कंपाउंड। उसमें साइकिल तो है लेकिन एरोमेटिसिटी के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा, साइक्लिक तो है लेकिन एरोमेटिसिटी के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो एलीसाइक्लिक कंपाउंड को नॉर्मल साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काडाइइंस में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो साइक्लोएल्केन का मतलब क्या, कि साइकिल तो बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, लेकिन कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। तो ये हो गया तुम्हारा साइक्लोएल्केन, और साइक्लोएल्कीन का मतलब साइकिल तो बन रहा है लेकिन इसमें एक जगह डबल बॉन्ड है, एक जगह डबल बॉन्ड है तो साइक्लोएल्कीन कहला जाएगा, और अगर दो जगह डबल बॉन्ड है तो क्या कहलाएगा बच्चे, साइक्लोएल्काडाइइंस, ठीक है। अभी हमने इधर भी देखा था कि एल्काडाइइंस जो है वो उसमें दो जगह डबल बॉन्ड होता है, और यहां हम देख रहे हैं कि साइक्लोएल्काडाइइंस में साइक्लिक रहेगा और दो जगह डबल बॉन्ड रहेगा, है ना, तो वो साइक्लोएल्काडाइइंस कहलाएगा। अच्छा ये वाला छूट गया क्या, कि एल्काडाइइंस को फर्दर तीन कैटेगरी में बांट देते हैं, तीन कैटेगरी में बांट देते हैं। तो एल्काडाइइंस को फर्दर तीन कैटेगरी में बांटते हैं, देखो एक तो तुम्हारा ये है लगातार डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव डाइइन या क्यूमुलेटेड डाइइन। तो क्यूमुलेटेड डाइइन में क्या होगा, लगातार डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और फिर कार्बन कार्बन के बीच में लगातार डबल बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे क्यूमुलेटिव। अगर एक छोड़ छोड़ के, एक छोड़ छोड़ के, जैसे देखो इसमें एक छोड़ छोड़ के डबल बॉन्ड होता है, कि देखो ना डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ दिया फिर डबल बॉन्ड, तो ऐसा कहलाता है कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड डाइइन, ठीक है। और एक से ज्यादा बॉन्ड का गैप रहता है, जैसे यहां डबल बॉन्ड है और यहां डबल बॉन्ड है, तो एक से ज्यादा बॉन्ड को, दो डबल बॉन्ड के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड का गैप रहता है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड का गैप है, तो ऐसे एल्काडाइइंस को हम आइसोलेटेड बोलते हैं, आइसोलेटेड डाइइंस, आइसोलेटेड एल्काडाइइंस, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन को पूरा किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन को, और उसके बाद अब हम देखेंगे कि ओपन चेन कंपाउंड क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, ए साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है,
ये सारा बारी बारी से हमने एक्सप्लेन किया है। तो ओपन चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड के बारे में जो हमने समझाया था बस वही यहां पे लिखा हुआ है, क्या कि ओपन चेन कंपाउंड या ए साइक्लिक कंपाउंड जो होता है वो ऐसा कंपाउंड होता है, कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग ओपन चेन या ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड आर कॉल्ड ए साइक्लिक कंपाउंड। वैसा कार्बन का कंपाउंड जिसमें कि ओपन चेन हो या ब्रांच्ड हो या अनब्रांच्ड हो, चाहे वो ब्रांच्ड हो चाहे अनब्रांच्ड हो, वो ए साइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन, जिसमें कार्बन कार्बन आपस में जुड़ा तो है लेकिन इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो ये स्ट्रेट चेन ओपन चेन कहलाएगा, स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहलाएगा। आइसोपेंटेन में कार्बन 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 आपस में जुड़ा है और इसमें देखिए ना ब्रांचिंग है, तो ये ब्रांच्ड ए साइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा, ब्रांच्ड ए साइक्लिक या ब्रांच्ड एलिफेटिक कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड आर ऑल्सो नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड को ही एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। अब साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड आपको हमने बताया ही था कि जब कार्बन एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा पहले से जुड़ गया, मतलब ऐसे एक रिंग का फॉर्मेशन कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा, ठीक है। These are further divided into following category: homocyclic और carbocyclic compound. Homocyclic कब बोलेंगे? जब cycle जो बना हुआ है, उसका सारा atom एक समान है, एक जैसा है, तो उसको बोलेंगे homocyclic. अब जब cycle बना हुआ है, cycle का सारा atom एक जैसा नहीं है, तो उसको बोलेंगे heterocyclic. For example, अभी हमने आपको example भी दिया था कि ऑक्सीजन कार्बन कार्बन कार्बन, यानी इस साइकिल का जो एलिमेंट है वो कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी है, यानी इस साइकिल को फॉर्म करने में दो तरह के एलिमेंट यूज हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। आगे देखते हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक किसको बोलेंगे? जिसमें साइकिल के सारे एटम जो हैं वो एक तरह के हैं, यानी कार्बन है, तो इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर कार्बन से, फिर कार्बन से, फिर कार्बन से, और फिर अंत में कार्बन से जुड़ गया। तो साइकिल के जितने भी एलिमेंट हैं वो अगर सेम तरह के एलिमेंट हैं तो इसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। जिस तरह से यहां देखिए, साइकिल में डबल बॉन्ड भी हो सकता है लेकिन साइकिल का सारा एटम जो है वो सेम तरह का होना चाहिए, कार्बन 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 कार्बन, तो इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक, कार्बन 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 कार्बन, मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक या एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। फिर उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में अभी हमने बताया कि हम आगे चर्चा करेंगे जीओसी में कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कुछ नियम और शर्त है, कुछ नियम और शर्त को जो कंपाउंड फॉलो करेगा उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन वो नियम और शर्त हम पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में, जीओसी में, है ना। वैसे एग्जांपल के लिए हमने बेंजीन का नाम लिया था और ये टोलुइन है ना, इसको बोलते हैं टोलुइन, इसमें भी देखिए बेंजीन के जैसा रिंग है ना, और ये होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड और उसमें एरोमेटिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक साइकिल में सेम तरह के एटम है और वो एरोमेटिक भी है, रिंग एरोमेटिक भी है, तो ये हो गया आपका होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड विच इज एरोमेटिक, ठीक है। अब देखेंगे होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड
जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है, बाईसाइक्लिक या ट्राईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। बाईसाइक्लिक या ट्राईसाइक्लिक मतलब कि वैसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें कि दो साइकिल है, वैसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें कि तीन साइकिल है, वैसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें कि तीन साइकिल है उसको बोलेंगे ट्राईसाइक्लिक। इसमें दो साइकिल है इसलिए बोलेंगे बाईसाइक्लिक, है ना। इसके बाद अगला जो है वो हम देखेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होता है जिसमें साइकिल के अंदर सारे जो एलिमेंट हैं वो सेम तरह के एलिमेंट नहीं है। देखो कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर लास्ट में ये ऑक्सीजन से जुड़ गया, इधर भी ऑक्सीजन से जुड़ के साइकिल कंप्लीट किया है। तो साइकिल को बनाने के लिए जितने भी एटम यूज हुए हैं अगर वो सेम तरह के एलिमेंट नहीं है तो हम इसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है, इसको बोलते हैं पाइरान। ठीक है, तो आप सब में देखिए कि कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, दो तरह के एलिमेंट से मिलकर साइकिल बना हुआ है। तो ये हो गया आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ये सारा कुछ हमने समझा रखा है आपको। और ये लास्ट में देख लीजिए, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में ये पिरिडीन आ गया और फुरान आ गया और ये पाइरोल आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन को हमने खत्म किया। अगले क्लास में हम डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिग्री का क्या महत्व है, क्या रूल है, क्या मतलब है डिग्री का, है ना, इस बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।